viewers, welcome to e-test academy and e-test youtube channel. viewers, आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये सीरीज रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है डर्ट रेस्क्यूअर, जिसे आम जुबान में डीआर कहा जाता है, और एक पोस्ट होती है फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर, जिसे एफडीआर कहा जाता है. ये सीरीज इन दोनों आसामियों के लिए इंतहाई मौजू है. व्यूअर्स, इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि तमाम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करें और उसके साथ साथ अहम तरीन सवालात जो हैं वो इस सीरीज में शामिल किए जाएं, और सबसे मेन फोकस हमारा उन क्वेश्चंस पर होगा जो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डीआर पोस्ट या एफडीआर पोस्ट से रिलेटेड हैं. ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे सवालात होते हैं जो डीआर या एफडीआर पोस्ट से रिलेटेड हो. व्यूअर्स, हमारी पूरी कोशिश है कि ट्रेड से रिलेटेड जितने भी सवालात हैं वो आपके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज में डिस्कस करें, क्योंकि जो जनरल नॉलेज या इस्लामियात, मैथ, इंग्लिश, ये जो पोर्शंस हैं, ये तमाम पोर्शंस आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से बआसानी या कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे. इंशाल्लाह ताला वो तमाम सवालात जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे वो आपको इंशाल्लाह हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से मिलेंगे. व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये जो हम सीरीज बनाने जा रहे हैं रेस्क्यू 1122 की, ये रेस्क्यू पंजाब, रेस्क्यू KPK, रेस्क्यू सिंध, बलूचिस्तान, किसी भी सूबे की रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पेपर्स के लिए इंतहाई मौजू हैं. व्यूअर्स, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमने इस सीरीज में क्वेश्चंस को शामिल किया है वो हमारी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है. बाकी आप इन तमाम सीरीज को ज़रूर तैयार करें, और इन्हें तैयार करने के साथ साथ इस सीरीज को हर्फ आखिर ना समझते हुए अपनी मजीद तैयारी भी जारी रखें. व्यूअर्स, स्टार्ट करने से पहले ये हमारी स्क्रीन पर कुछ फोटोज़ लगी हुई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं. ये जो फोटो है ये देख रहे हैं आप, जिसको हाईलाइट किया है, ये फोटो डीआर पोस्ट से रिलेटेड जो असामी है ये उसके लिए है. इस गाड़ी पर डीआर डर्ट रेस्क्यूअर जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं. आजकल एक नई गाड़ी भी रेस्क्यू 1122 में मुतारफ करवाई गई है, जिसमें एक साइड पर आपको डीआर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, सामान है, वो मिलेगा, और दूसरी साइड पर आपको फायर से रिलेटेड सामान मिलेगा. यानी कि ये एक ऐसी गाड़ी है जो फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर FDR के इस्तेमाल में होगी. ये दोनों फोटोज को की आपको डेफिनेशन बताई है, क्योंकि आम लोग जो है ये इस चीज़ को नहीं जानते. जो लोग रेस्क्यू 1122 में शामिल होने जा रहे हैं या पेपर देने जा रहे हैं, कम अज़ कम उन्हें इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि ये गाड़ियाँ जो हैं इनका क्या मकसद है. व्यूअर्स, पार्ट नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं. व्यूअर्स, ये सीरीज हमारी कुछ पार्ट्स पे मुश्तमिल होगी, और हमारी पूरी कोशिश है कि इनमें हम पास्ट पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें. अगर आपके पास कोई भी डर्ट रेस्क्यूअर का, डीआर का या एफडीआर का ओरिजिनल पेपर मौजूद है, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड करें, ताकि उस पेपर को हल करने के बाद पाकिस्तान के तमाम कैंडिडेट्स के साथ हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के जरिए शेयर कर सकें. क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, व्हाट इज एंकर पॉइंट? एंकर पॉइंट क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको MCQs में पूछा जा सकता है. मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि ये एंकर पॉइंट क्या होता है. ये जो एंकर पॉइंट है ये एक बेस है. डर्ट रेस्क्यूर की जो पोस्ट है उसमें एंकर पॉइंट बार बार डिस्कस किया जाता है. अ पॉइंट दैट इज यूज्ड टू फास्टन योरसेल्फ आर एनीथिंग फॉर सिक्योरिटी पर्पस इज कॉल्ड एंकर पॉइंट. एक ऐसा पॉइंट होता है जो अपने आप को या किसी भी चीज को हफाजती मकसद के लिए बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पॉइंट को एंकर पॉइंट कहा जाता है. एंकर पॉइंट को उर्दू में लंगर भी कहा जाता है. व्यूअर्स, अब इसे मजीद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ एंकर पॉइंट को, कि ये एंकर पॉइंट किस तरह से हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होता है. आपके सामने यहाँ पर फोटोज लगाई गई हैं, ये देखें, ये जगह जहाँ पर रस्सी को बांधा गया है, ये जगह जो है ये एंकर पॉइंट कहलाएगी. आपने देखा होगा बाजू का जो बिजली के पोल्स हैं, खंबे हैं, उस पर लाइनमैन
या जो भी टेक्निकल स्टाफ है वो जब काम करता है तो वो अपने आप को उस खंबे के साथ एक जगह पर बांध लेता है, वो एंकर पॉइंट कहलाता है। या दूसरे लफ्जों में आप ये देख लें कि आप बहरी जहाज जब देखते हैं तो वो जब लंगर अंदाज होता है, यानी कि जब किनारे पहुंचता है तो एक जगह पर उस बहरी जहाज को बांध दिया जाता है। वो जो पॉइंट है जहां पर उस बहरी जहाज को बांधा जाता है वो पॉइंट एंकर पॉइंट कहलाता है। ये इस फोटो में भी देखें, इस फोटो में भी ये एंकर पॉइंट यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये एंकर पॉइंट की जो डेफिनेशन है इसे आप याद कर लें, ये आपको एमसीक्यूज में काम देगी। हो सकता है इस डेफिनेशन को ही एमसीक्यूज की शेप में आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज रोप? रोप क्या होती है? व्यूवर्स, ये रस्सी की डेफिनेशन है जो आपसे पूछी गई है। रस्सी की डेफिनेशन याद कर लें, कई पेपर्स में इसे खाली जगह के तौर पर एमसीक्यूज में पूछा गया है। आ टूल दैट इज यूज्ड इन एमरजेंसी सर्विसेज टू इवैक्यूएट विक्टम्स फ्रॉम एमरजेंसी प्लेसेस इज कॉल्ड रोप। एक ऐसा टूल जो एमरजेंसी सर्विसेज में मुतासरीन को हंगामी मुकामात से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे रस्सी रोप कहा जाता है। वीवर्स, टेक्निकल वर्ड अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो टेक्निकल वर्ड में रस्सी को, रोप को कॉर्ड भी कहा जाता है, CHORD। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ रोप? वीवर्स, ये क्वेश्चन जो है ये एक नया क्वेश्चन है। ये काफी कुछ इस सीरीज से मुझे भी समझने को, सीखने को मिला है कि रस्सी के कितने हिस्से होते हैं। रस्सी के जो हिस्से होते हैं वो तीन हैं। वो तीन हिस्से कौन से होते हैं, शॉर्ट डिटेल में लिखे हुए हैं, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है। जितनी भी शॉर्ट डिटेल आपको पूरी सीरीज में फ्राहम की जाएगी, ये देखें, ये इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे शॉर्ट डिटेल आपको हर क्वेश्चन के साथ मिल रही है और तमाम सवालात के साथ मिलेगी। इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। रस्सी के जो मेन पार्ट्स हैं वो तीन हैं, जिसमें रनिंग रोप, स्टैंडिंग रोप और वर्किंग रोप शामिल है। ये तीन रस्सी के हिस्से होते हैं। इन तीनों हिस्सों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये जो रस्सी के हिस्से होते हैं ये कौन कौन सा रस्सी का हिस्सा जो है वो रनिंग रोप कहलाएगा, कौन सा हिस्सा स्टैंडिंग रोप कहलाएगा और कौन सा हिस्सा जो है वो वर्किंग रोप कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज रनिंग रोप? ये रस्सी का पहला हिस्सा है कि रनिंग रोप क्या होता है। द पार्ट ऑफ द रोप दैट इज टाइट विद द एंकर पॉइंट इज कॉल्ड रनिंग रोप। रस्सी का वो हिस्सा जो एंकर पॉइंट के साथ बांधा जाता है उसे रनिंग रोप कहते हैं। वीवर, ये जो डेफिनेशन है इसको आप याद कर लें, हो सकता है ये डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज में कोई भी इसमें से कोई एक पॉइंट यहाँ से मिसिंग कर दिया जाए, आपको फॉर एग्जांपल तमाम डेफिनेशन लिख दी जाए और एंड पे यहाँ पर आपको खाली जगह दे दी जाए कि बताएं ये क्या है। ये कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है और ये जितनी भी डेफिनेशंस आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये डेफिनेशंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी टेस्टिंग सर्विस की बुक है, किसी भी पब्लिशर की है, कहीं पे ही आपको ये डाटा नहीं मिलेगा। ये डाटा आपको सिर्फ और सिर्फ ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है और इस तरह का डाटा आपको सिर्फ ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मिलता है। दोबारा मैं डेफिनेशन को रिपीट करने लगा हूँ, रस्सी का वो हिस्सा जो एंकर पॉइंट के साथ बांधा जाता है वो रनिंग रोप कहलाता है। अब आप कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये रस्सी है, ये देखें, ये डायग्राम में रस्सी दिखाई गई है, एक साइड ये है, ये एंकर पॉइंट है आपका, एंकर पॉइंट के साथ रस्सी बांधी हुई है, और ये जो दूसरी साइड है इस साइड पर आपने अपने आप को बांधा हुआ है या किसी चीज को बांधा हुआ है, ठीक है। अब ये जो साइड है, जिस साइड पे आपका एंकर पॉइंट है, ये वाला एंकर पॉइंट के साथ जो रस्सी का हिस्सा है, जो रस्सी का पार्ट बंधा हुआ है, इसे रनिंग रोप कहते हैं। मजीद उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन के बारे में किसी किस्म का भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो 24 आवर आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी रहती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज स्टैंडिंग रोप? स्टैंडिंग रोप क्या होती है? ये रस्सी के जो तीन हिस्से होते हैं ये उसका दूसरा पार्ट है। स्टैंडिंग रोप जो है ये, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। द पार्ट ऑफ रोप
which remains between the anchor point and victim is called standing rope. रस्सी का वो हिस्सा जो एंकर पॉइंट यानी कि लंगर के मुकाम पर और मुतासरा शख्स के दरमियान में, यानी कि एंकर पॉइंट और मुतासरा शख्स इसके दरमियान में जो रस्सी का हिस्सा होता है उसे स्टैंडिंग रोप कहा जाता है। ये जो आपके सामने डायग्राम है इसमें देखें, मैं इस डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर हमारा एंकर पॉइंट आ गया, ठीक है जी, और ये वो साइड है जिस साइड पर आपने अपने आप को बांधा हुआ है या किसी विक्टम को बांधा है। विक्टम से मुराद ये है कि कोई भी मुतासरा शख्स है जिसे आप कहीं से निकाल रहे हैं, उसको आप एक साइड पे रस्सी के बांधेंगे। ये दो पार्ट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो जगह है, ये देखें ये वाली जो जगह है रस्सी की, दरमियानी हिस्सा, ये स्टैंडिंग रोप कहलाएगा। दोबारा मैं डेफिनेशन को रिपीट करने लगा हूँ। रस्सी का वो हिस्सा जो एंकर पॉइंट और मुतासरा शख्स के दरमियान में होता है उसे स्टैंडिंग रोप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वर्किंग रोप आर वर्किंग एंड। वर्किंग रोप जो है इसे वर्किंग एंड भी कहा जाता है। ये जो पॉइंट है, ये जो रस्सी का पार्ट है, इसको दो नामों से जाना जाता है, वर्किंग रोप या वर्किंग एंड। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखें, द पार्ट ऑफ अ रोप विच इज यूज्ड टू टाई द विक्टिम आर थिंग ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। रस्सी का वो हिस्सा जो मुतासरा शख्स या चीज को निकालने के दौरान बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये डेफिनेशन को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। एक रस्सी के तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है जहां पर आपने एंकर पॉइंट के साथ इसे बांध दिया। दूसरा हिस्सा वो है जो एंकर पॉइंट और विक्टिम के दरमियान में है, जिसे स्टैंडिंग रोप हमने कहा है। तीसरा हिस्सा वो है जिस साइड पे आप अपने आप को बांधेंगे या विक्टिम को बांधेंगे, वो जो पॉइंट है रस्सी का वो वर्किंग रोप या वर्किंग एंड कहलाएगा। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीवर्स, किसी भी वीडियो को बनाने के लिए हमारी टीम को 4 से 5 घंटे दरकार होते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर वीडियो को मुकम्मल वजाहत के साथ हम आपको फराहम करते हैं। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले डर्ट रेस्क्यूर या FDR के तमाम पार्ट्स आपको बरवक्त मिल सकें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम पेपर्स की तैयारी इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ करवाई जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, डर्ट रेस्क्यूर या फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर, ये दो पोस्ट हैं DR और FDR की। इन दोनों पोस्ट की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। ये जो मुकम्मल सीरीज है ये हमने नोट्स की सूरत में कंपाइल कर ली है। अगर आप DR या FDR के पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स बजरिया डाक ई टेस्ट अकेडमी से मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे DR या FDR पोस्ट के लिए नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग। व्यूअर्स, पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें हमने रोप के पार्ट्स जो हैं उन्हें डिस्कस किया है। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रोप्स की टाइप्स पूछी गई है कि रस्सियों की कितनी इकसाम है। व्यूअर्स, बनावट के लिहाज से रस्सियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये दो हिस्से जो हैं इनके भी नाम हैं। इनमें से एक हिस्सा जो है उसका नाम है कर्ण और दूसरे हिस्से का नाम है मेंटल। ये दोनों हिस्सों को हम, इन दोनों की डेफिनेशंस भी देखते हैं, हो सकता है पेपर्स में इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, इसलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज कर्ण। कर्ण क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। इट इज इंटरनल फाइबर ऑफ द रोप। द 70% स्ट्रेंथ ऑफ द रोप डिपेंड्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द रोप। कर्ण इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल पार्ट आर कोर। रस्सी का अंदरूनी रेशा जिस पर रस्सी की 70% ताकत मुनहसर होती है,
कर्ण को रस्सी का अंदरूनी हिस्सा या कोर भी कहा जाता है। अब इसे हम डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को हम फोटो में देखते हैं, जो आपके सामने फोटो लगाई गई है। ये देखें, ये एक रस्सी है। इस रस्सी, ये रस्सी का बाहर वाला हिस्सा है, ये मेंटल है। बाहर वाले हिस्से को मेंटल कहते हैं, जिसे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और इसके नीचे ये जो अंदर वाला हिस्सा है, जो अंदर वाला रेशा है, इसे कर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंटल? मेंटल क्या है? इट इज एन आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द रोब। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ द रोब। मेंटल कंसिस्ट ऑफ 30% स्ट्रेंथ ऑफ द रोब। ये रस्सी को बैरूनी साइड से ढांपने वाली तय होती है। ये रस्सी की अंदरूनी तय की हिफाजत करती है। मेंटल तय रस्सी की 30% ताकत पर मुश्तमिल होती है। दोबारा हम डायग्राम को देखते हैं, फोटो को देखते हैं। ये देखें, ये बाहर वाला हिस्सा है, इसे मेंटल कहा जाएगा। और इसके नीचे जो रस्सी का अंदरूनी हिस्सा होता है, अंदरूनी रेशे होते हैं, उन्हें कर्ण कहा जाता है। ये जो मेंटल है, ये रस्सी की 30% ताकत जो है इस हिस्से पर मुनहसिर करती है। मेंटल जो है, ये रस्सी की 30% ताकत जो है वो शो करता है। और जो कर्ण है, उसमें 70% ताकत होती है किसी भी वजन को बर्दाश्त करने की। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच स्ट्रेंथ ऑफ रोप डिपेंड्स ऑन द कर्ण पार्ट ऑफ द रोप। वीवर जी, वही क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया है, उसको एमसीक्यूज में मेंशन कर दिया गया है। ये दोनों पार्ट जो हैं, एक है कर्ण और दूसरा मेंटल, इन दोनों की जो कैपेसिटी है, इसको आप जहन में बैठा लें। किसी भी पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, और पेपर से हटकर भी आपको रोजमर्रा जिंदगी में पता होनी चाहिए कि ये जो दो पार्ट्स हैं रस्सी के, कर्ण और मेंटल, कर्ण जो है ये 70% ताकत जो है इसमें होती है किसी भी लोड को बर्दाश्त करने की, और जो मेंटल है रस्सी की बैरूनी तय है, वो किसी भी लोड को बर्दाश्त करने की 30% ताकत रखती है। मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं, तो सिंपल है, गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को ओपन करें और इसमें डर्ट रेस्क्योर या फायर एंड डर्ट रेस्क्योर, DR या FDR के पोर्शन में आपको तमाम क्वेश्चन मिलेंगे। ई टेस्ट वेबसाइट की ये खसूसियत है कि हमारी इस वेबसाइट पे आपको जितना भी डाटा मिलेगा, वो तमाम का तमाम पास्ट एंड करंट पेपर से लिया गया होगा। और जितना भी डाटा, जितने भी पेपर्स हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, वो मुकम्मल हलशुदा हैं। आपने सिर्फ हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को ओपन करना है और तैयारी करनी है। आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11, द रोप विच इज यूज फॉर रेस्क्यू एक्टिविटीज सच एज रिपेलिंग, असेंडिंग एंड एवेकुएटिंग विक्टम्स फ्रॉम डेप्थ इज कॉल्ड। व्यूअर्स, ये जो रोप है, रस्सी है, ये मुख्तलिफ रेस्क्यू एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें रिपेलिंग है। यहाँ पर एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ है, रिपेलिंग। अब ये रिपेलिंग क्या है? रिपेलिंग ये है कि आप अपने आप को रस्सी के जरिए बांधकर किसी बुलंदो वाला बिल्डिंग से नीचे आते हैं, पाँव की मदद से आप पाँव को लगाते आते हैं बिल्डिंग के साथ और नीचे उतरते आते हैं। इस पोजिशन को, इस वर्क को रिपेलिंग कहा जाता है। और उसके बाद दूसरी टर्म जो यहाँ पर यूज हो रही है, वो है असेंडिंग। असेंडिंग ऐसी टर्म है जिसमें आप किसी बिल्डिंग पर ऊपर की जानिब जाते हैं, रिपेलिंग में नीचे की जानिब आते हैं, और असेंडिंग जो पोजीशन है, इसमें किसी बिल्डिंग पर आप ऊपर की जानिब जाते हैं। किसी भी विक्टम को आप गहराई से निकालने के लिए भी आप रस्सियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो तीन टर्म्स क्वेश्चन में इस्तेमाल हुई थी, जो आपको समझाने के लिए ब्रीफ की गई हैं। व्यूअर्स, ये जो रस्सी इस्तेमाल की जाती है रिपेलिंग के लिए, या किसी बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए, या किसी विक्टम को, किसी मुतासरा शख्स को गहराई में से निकालने के लिए, इस रस्सी को स्टैटिक रोप कहा जाता है। ये स्टैटिक रोप जो है इस्तेमाल की जाती है। वीवर, ये जो स्टैटिक रोप होती है, इसमें एक प्रॉब्लम है, जब ये गीला होता है ये रस्सा, तो उसकी ताकत जो है ये 50% तक कम हो जाती है। जैसे ये रस्सा गीला होगा तो इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 50% कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये रस्सा खुश्क होगा तो ये अपनी असल हालत में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्टोर द रोप इन वेल वेंटिलेटेड प्लेस एंड अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट डैश ग्रीस ETC। खाली जगह में क्या आएगा? खाली जगह में ऑयल आएगा। रस्से को या रस्सी को हमेशा हवादार जगह पर रखना चाहिए, और सूरज की बराह रास्त रोशनी, धूप
ऑयल और ग्रीस वगैरह वाली जगहों पर मत रखें, क्योंकि जब डायरेक्ट सूरज की रोशनी रस्से पर पड़ेगी तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी, उसका लाइफ टाइम जो है वो कम होगा। और कोशिश करें कि रस्से को आप धूप, ऑयल और ग्रीस वगैरह वाली जगह पर मत रखें, ताकि रस्से का जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्वेश्चन नंबर 13, दी रोप दैट हैज नो इलास्टिक लिमिट टू बियर एनी जर्क इज कॉल्ड, वो रस्सा जो किसी किस्म का झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा रस्सा जिसमें इतनी लचक नहीं होती कि वो झटका बर्दाश्त कर सके, उसे डायनामिक रोप कहा जाता है। वीवर, ये जो डायनामिक रोप है ये अक्सर अमूमन बिल्डिंग्स पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिल्डिंग पर चढ़ते हुए अगर रेस्क्यूअर या कोई शख्स गिरता है, रस्से को, रोप को झटका आता है, तो इसके मौके ज्यादा हैं कि ये रस्सा टूट जाए, ये रस्सा जो है ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन, 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं? 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। अब डेफिनेशन है जो कुछ पेपर्स में रिपीट हुई है न्यूटन की, उसको आप याद कर लें, कहीं से भी याद कर लें, या आपके सामने शॉर्ट डिटेल में भी लिखी हुई है। 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 न्यूटन ये एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी जिस्म को 1 मीटर फी सेकेंड के हिसाब से हरकत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या इसको आप इस तरह से कह लें कि 1 न्यूटन ऐसी फोर्स होती है, 1 न्यूटन एक ऐसी किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई की जाती है जो उस जिस्म को 1 मीटर फी सेकेंड के हिसाब से हरकत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इन द गिवन फार्मूला, एक फार्मूला दिया गया है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये बताएं कि इस फार्मूला में जो ए है ये किसे रिप्रेजेंट करता है। वीवर, ये जो आपके सामने एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा हुआ है ये न्यूटन का दूसरा फार्मूला है। इस फार्मूला में एफ जो है ये फोर्स को जाहिर करेगा, एम जो है ये मैस को जाहिर करेगा, और ए जो है ये एक्सेलरेशन को जाहिर करेगा। व्यूवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले दूसरे नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 16, क्लब हिच इज अ, क्लब हिच जो है ये एक नॉट है, KNOT, नॉट। नॉट को उर्दू में गिरा कहा जाता है या इसे गांठ भी कहा जाता है। वीवर्स, ये जो क्लब हिच है ये गिरा नॉट्स की मुख्तलिफ इकसाम में से एक किस्म है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट में बहुत सी नॉट्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो गिरा है ये मुख्तलिफ किस्म की गिरहें लगाने सिखाई जाती हैं। इन नॉट्स की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हम आपके साथ चंद एक जो टाइप्स हैं जो रेस्क्यू 1122 में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो आपके साथ हम शॉर्ट डिटेल में मज़ीद डिस्कस करते हैं। एक है स्टॉपर नॉट, दूसरी है क्लब हिच नॉट, उसके बाद है रीफ नॉट, रोलिंग नॉट, स्लिप नॉट, शीट बेंड नॉट, उसके बाद है फिगर ऑफ एट नॉट, राउंड टर्न विद 2 हाफ हिचिज नॉट, लूप नॉट, बो लाइन नॉट, डबल बो लाइन नॉट, ट्रिपल बो लाइन नॉट और लॉन्ग टेल बो लाइन नॉट। व्यूअर्स, ये आपके सामने कुछ नॉट्स की टाइप्स हैं। ये गिरहें जो होती हैं, नॉट्स होती हैं, उसकी टाइप्स हैं जो रेस्क्यू 1122 में अमूमन इस्तेमाल होती हैं। इनके नाम आपको बता दिए, इसके अलावा भी ये यही नहीं है कि ये जो आपको बता दिए यही नोट्स की टाइप्स हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपको वो बताई गई हैं जो रेस्क्यू में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा बहुत सी टाइप्स हैं नोट्स की, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो आपके सामने एक वेबसाइट दी गई है www.animatednotes.com। अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ऐसी ऐसी नोट्स मिलेंगी, शायद आपने कभी वो पहले देखी हो या सुनी हो। क्वेश्चन नंबर 17, डबल बो लाइन नॉट इज यूज्ड फॉर, डबल बो लाइन नॉट जो है ये वाटर रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज ये होता है कि वाटर रेस्क्यू क्या होता है।
आपने अक्सर देखा होगा कि रेस्क्यूअर जो हैं वो किसी डूबते हुए शख्स को बचा रहे हैं। किसी भी डूबते हुए शख्स को बचाना, डूबते हुए शख्स को पानी में से निकालना, इवैक्यूएट करना, ये वाटर रेस्क्यू एमरजेंसी कहलाती है। अब वाटर रेस्क्यू एमरजेंसी में डबल बो लाइन किस तरह से इस्तेमाल होगी? आप देखेंगे कि अगर किसी जगह पर कोई वाटर रेस्क्यू की एमरजेंसी चल रही है तो दो रेस्क्यूअर या दो से ज़्यादा रेस्क्यूअर जो है वो पानी से बाहर खड़े हैं और एक रेस्क्यूअर जो है वो पानी के अंदर जाता है। जो रेस्क्यूअर पानी के अंदर जाता है उसकी कमर पर, बैक साइड पर एक रस्सी से उसे बांधा जाता है। वो जो गिरा लगाई जाती है उस जगह पर वो डबल बो लाइन नॉट कहलाती है। ये इस तरह से होता है कि एक रस्सी का सिरा जो है वो वहां पर बो लाइन के जरिए, डबल बो लाइन के जरिए बांध दिया जाता है और दूसरा सिरा जो है वो जो बाहर रेस्क्यूअर खड़े होते हैं उनके पास होता है। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो जाए पानी में गए हुए रेस्क्यूअर को या उसे बाहर खींचना पड़े तो उस रस्सी की मदद से उसे खींच लिया जाता है। वीवर्स, ये दो किस्म की नॉट्स जो हैं पेपर्स में रिपीट हो रही हैं। एक है डबल बो लाइन नॉट और दूसरी जो है वो है ट्रिपल बो लाइन नॉट। डबल बो लाइन नॉट की फोटो ये लगी हुई है और ट्रिपल बो लाइन की जो फोटो है वो ये यहाँ पर मेंशन है। अब थोड़ी सा इसका जो डेफिनेशन है आपको मैंने बता दिया है कि डबल बो लाइन क्या है, जबकि ट्रिपल बो लाइन नॉट ऐसी नॉट होती है जो फुल बॉडी हार्नेस के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये फुल बॉडी हार्नेस क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो लाइन मैन हैं वापडा में वो किसी खंबे पर जब चढ़ते हैं तो एक बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। वो बेल्ट उनके बाजू के गिर्द और टांगों के गिर्द घूमी होती है। ये जिस स्टाइल में ये बेल्ट घूमी होती है, जिस तरह वो अपने आप को सिक्योर करके किसी पोल पर, खंबे पर चढ़ते हैं, इसे बॉडी हार्नेस कहते हैं। रस्सी की मदद से बॉडी हार्नेस को बनाना ये ट्रिपल बो लाइन नॉट कहलाएगा। ये ट्रिपल बो लाइन नॉट की मदद से आप रस्सी को एक फुल बॉडी हार्नेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ईओसी स्टैंड्स फॉर, ईओसी स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी फेजेस ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर जो है इसके कितने फेजेस हैं? डिजास्टर के जो मेन फेजेस हैं वो पांच हैं। इन पांच फेजेस में प्री डिजास्टर फेज, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, रिहैबिलिटेशन फेज और रिकंस्ट्रक्शन फेज शामिल है। ये पांच डिजास्टर के फेजेस हैं। इंशाल्लाह ताला आगे के वीडियोस में हम इन पांचों फेजेस को वन बाय वन आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये फेजेस क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज बटरफ्लाई स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक क्या है? व्यूअर्स, बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये स्विमिंग का एक स्टाइल है। जो लोग तैराकी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो जानते हैं कि ये एक स्विमिंग का स्टाइल है, एक स्ट्रोक है। बेसिकली जो स्विमिंग के स्ट्रोक्स हैं उनकी तादाद चार है, जिसमें बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल स्ट्रोक शामिल है। ये चार स्ट्रोक्स हैं जो स्विमिंग से रिलेटेड हैं, जो स्विमर्स हैं वो इनको बखूबी जानते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताने लगा हूँ, नोट कर लें, जहन नशीन कर लें। अगर आपको स्विमिंग आती है, अगर आप स्विमिंग में माहिर हैं, तो जहन नशीन कर लें कि आपको रेस्क्यू में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रेस्क्यू डिपार्टमेंट में स्विमर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर आपको स्विमिंग आती है, आप स्विमिंग में माहिर हैं, अपने आप को समझते हैं या अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप बेस्ट स्विमर हैं, तो काइंडली रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट जरूर करें। जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसे लाजमी बताएं कि आप एक स्विमर हैं, यू आर अ बेस्ट स्विमर। अगर आप इंटरव्यू में अपने आप को बताएंगे, अपने आप के बारे में बताएंगे कि आप एक स्विमर हैं, तो आपके रेस्क्यू 1122 में मुलाजमत के चांसेस एक आम कैंडिडेट की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज नेशनल स्लोगन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी नारा है वो क्या है? पाकिस्तान का जो कौमी नारा है वो पाकिस्तान जिंदाबाद है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान की बहुत सी कौमी चीज़ें पूछी गई हैं। इंशाल्लाह ताला हम उन तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप नोट कर लें, जो पाकिस्तान का कौमी नारा है वो पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान के कौमी शायर जो हैं वो डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लार्जेस्ट अंडर सी रेलवे टनल इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, जेर जमीन समंदर के नीचे जो रेलवे टनल बनाई गई है
जो सबसे लंबी है, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे टनल है, वो फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान है। इस रेलवे टनल को 1988 में कायम किया गया। विवर्ज, ये जो जेरे समंदर के नीचे ये जो रेलवे टनल बनाई गई है, ये 31.4 मील पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 23, द करेंसी ऑफ लाओस इज, लाओस की जो करेंसी है वो किप है। लाओस जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का एक मुल्क है। लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। वीवर्स, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है करेंसी का। करेंसी बहुत से ममालिक की करेंसी और कैपिटल्स बहुत से पेपर्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपके सामने स्क्रीन पर इस बॉक्स के अंदर एक वीडियो शो होगी। यहाँ पर आई बटन शो हो रहा है, उस आई बटन पे आप क्लिक करें, आपको यहाँ से एक वीडियो मिलेगी जिसमें हमने उन तमाम करेंसीज को और कैपिटल्स को मेंशन किया है जो सबका पेपर्स में बार बार दोहराए गए हैं। ये आई बटन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को जाहिर होगा जो हमारी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो डाउनलोड करके देखेंगे उन्हें ये आई बटन नहीं मिलेगा। व्यूवर्स, पहला पॉइंट तो ये था कि आपने करेंसीज और कैपिटल्स जो हैं तमाम ममालिक के तैयार करने हैं। दूसरा जो इस क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन है वो है लैंड लॉक्ड कंट्री। ये लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है? लैंड लॉक्ड कंट्री एक ऐसे मुल्क को कहा जाता है जो चारों अतराफ से खुश्की से घिरा हो, या इसे दूसरे अल्फाज में इस तरह से आप कह लें कि कोई भी मुल्क जो चारों साइडों से समंदर को टच ना करता हो, या जिस मुल्क को चारों साइडों से समंदर टच ना करता हो, उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द बेस्ट आंसर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, विच कम्युनिटी वॉज इन मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। विवश, जब पाकिस्तान बना उस वक्त कश्मीर में जो मेजोरिटी थी, अक्सरियत थी, वो मुसलमानों की थी। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बहुत से पेपर्स में परसेंटेज पूछी गई है। नोट कर लें कि इंडिपेंडेंस के वक्त जब पाकिस्तान बना उस वक्त कश्मीर में 95% मुसलमान थे, 4% हिंदू थे और 1% दूसरे मजहब के लोग मौजूद थे। जिस वक्त पाकिस्तान बना 1947 में, उस वक्त कश्मीर में मुसलमानों की जो आबादी थी वो तकरीबन 4 मिलियन थी। ये 5-6 पॉइंट्स जो आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद कर लें। किसी भी पेपर में, डीआर और एफडीआर के पेपर से हट कर भी किसी भी पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आरियाना इज द एयरलाइन ऑफ, आरियाना जो है ये अफगानिस्तान की एयरलाइन है। इस एयरलाइन का पूरा नाम जो है वो आरियाना अफगान एयरलाइन है। आरियाना एयरलाइन को 1955 में कायम किया गया। ये अफगानिस्तान की सबसे पुरानी एयरलाइन है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, वीडियो काफी लंबी हो गई है, बाकी के क्वेश्चंस को हम पार्ट 2, 3, 4, 5 इस तरह इस सीरीज में हम डिस्कस करते जाएंगे। हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में DR FDR सीरीज के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।